पहला बेटा होगा भरतरी, उसको मैं लेऊंगा रे संत बनाऊंगा मेरा, और दूसरा बेटा देऊंगा तेरे को विक्रमादित, देवताओं का न्याय करेगा, और तीसरी देऊंगा बेटी मेनावती, जिसका तेरा दोहिता होगा गोपीचंद भरतरी, वो भी संत बनेगा। तो भगवान यो वचन दे संत को, राजन हो जाएगा चिंता मत कर, तेरे लड़के हो जाएंगे, तीन औलाद होगी। वहां वक्त में राजा को औलाद कोई नहीं, भगवान पुजा दे पाता मां कालेश्वर वहां के स्थान पे। और अब नवा मीनो योर उन्हों राजा भरतरी को जन्म हुए, देखो कशाल भाई अरे जा दिन है जन्मिया राजा भरतरी, वो राजा भरतरी, अरे घर घर बाजा सोवन था, गुरुदेव वचन दे दिया जो पर माने मालूम को दाखिया एक दो थी चार दाखिया दौड़ी और पंडित जी जोशी जी ने बोला लाइक मां के राजा के कंवर जन्म जा चलो नामकरण करो घर घर मंगला चार बधामना भेजा और पंडित आवे नामकरण करे तो कई नाम आवे कंवर भरतरी पंडित के बोला मां नाम तो बहुत अच्छा आया भरतरी पर माँ एक संशय है इसमें माता के बला की महाराज कई संशय है कि माँ ये 17 साल की उम्र में शादी कर पिंगला रानी लाई और 18 साल लगोन ये जोगी हो जाए माँ के बला की महाराज मारे नीट ले जाओ तो कंवरिया और आप ऊँकी कर जाओ दीदी माँ कही के बला की महाराज ने अरे बालो जोशी जी थका वेदन वो थका वेदने पालक दो I'm not.
माँ केवला जी पंडिता आपने कंचन की दक्षिणा देऊं, मारा नाम बालक को नाम पलट दो, यो जोगी ने वे और कंचन की दक्षिणा ले जाओ आप। ब्राह्मण के भला का माँ नाम पलट बो बाघ न पलटे, ये विधि का विधान है शास्त्र के अनुसार। माँ मैं कहूं जो होन, अरे कागदी है वे तो माता पांच लाए माता पांच ला ऐसा तो भगवान के साथ ही हो गया। माँ मैं कहूंगी जो सुन, राजा दशरथ के राम का जन्म हुआ, उनके लड़के थे और उनके गुरु महाराज कौन थे? गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी, भगवान के गुरु थे। वो मूर्त निकाल देता तीन लोक में फेल करवाओ कोई दे, परंतु भगवान का गुरु ने मूर्त निकाला, हमारे राम को सुबह अयोध्या का राज तिलक होगा और रातों रात पासो पलटो सुबह 14 वर्ष को बनवास है। जो माँ ऐसा तो भगवान के साथ ही हो गया। मैं कहूं जो सुन, आ गुरु वशिष्ठ मामुनि ज्ञानी लिख लिख अंक धरे, गुरु वशिष्ठ मामुनि ज्ञानी लिख लिख अंक धरे। सीता को हरण कर ली दो रावण और पाते पिताजी दशरथ को मरण भेजो, वहां के साथ ही हो जो भगवान के पत काली मुंजी का। हे माँ ये कोई नहीं बचा सकता। अरे पंडिता कई उपाय? माँ उपाय है, कई उपाय। कहे माँ ये 17 साल की उम्र में शादी केरी, पिंगला रानी लाई, वहां का बाद में 6 महीना बाद में 18 साल लागी, याने सुबर गोरी पे ने बेचवा देना, शिकार खेलवा जाए उत्तर दिशा में ने जावा देना, चले भी जावे तो काला मिर्की शिकार न करवा देनी थी, जो पुरो बच यो उपाय बता और महाराज चलिया जावे। और हर्ष हर्ष में बीत गया वर्ष। अब राजा भर्तृ बड़े होते देखो, आ राजा एक बरस का होवे जारी माता लाग लगावे, राजा एक बरस का होवे जारी माता लाग लगावे।
राजा एक वर्ष का होवे बाकी माता लाड लड़ावे, पांच वर्ष का होवे गुरुकुल में पढ़वा जावे, 17 वर्ष का होवे घर पिंगड़ा के साथ ब्याह मंडप में ब्याह रचावे। वहां मंडप में ब्राह्मण जो शादी करा रहा वे भाई जी ने केवल आगा भाई जी ये आपका पति देव 6 महीना बाद में जोगी है जाए, जो आपकी मां ने पंडिता उपाय बतायो वही मंडप में वे ब्राह्मण भी हो भाई जी ने बता रहा कि ओ काम मत करवा दीजिए, जोगी ने मन दीजिए जोगी बन जाए। अब पिंगला ने ले उज्जैन नगरी आ जावे, 6 महीना बाद में 18 साल लागे राजा के कुमति प्रवेश हो जावे। अब राजा ने वही सुपर गोली मिले और वहां पर बेटे तो पिंगला केवल आगे प्राण नाथ मारे कोई शिकार की जरूरत कोई नहीं। रानी सिंह और सूरा के दिल में आ जाती उसी वक्त में शिकार को रवाना हो जाते। अरे गंदा डाबा उन्हें उत्तर दिशा में मत जाओ कने 19 जावा, काला मिर्च की शिकार मत कर जो या तो देखा जाए क्या मिलता। अब देखो जंगल में जावे कई मिले खंडा पे धनुष ले जावे और 5 हिरणियार वहां को पति कालो मिर्च जंगल में घास चढ़ता तक मिल जावे, खंडा पू धनुष उठावे और वह हिरण पे बाण लगावे। हिरणिया बोली राजा जो माँ को 5 पत्नियों को पति इन्हें मत मारो, इके बजाय माने 5 ने मार लो नहीं तो मैं 5 बिल्की फेर। राजा के बला को हिरणिया मैं नारी जात पे हाथ नहीं उठाता हूं, मारू ती मर्द नहीं मारू। हिरणिया जो धनी को धनी कौन है, 3 पगा पे खड़ी हुई भगवान ने कही के देखो हिरणिया अरे माँ का पिया जीरो प्राण बचाई वो भी हरण्या अरद करे We'll be right back.
जमीन पे पिड़ियो पिड़ियो तड़प रियो और के बाला डोरे राजन पुशान आपको कोई मेरा बाग नहीं उजाड़ियो फिर भी आप मैंने मार ना क्यों मारो थोड़ो काम कर दी दे राजन कई काम बढ़ावे मिर्गो उन हिरणिया के बला की राजन माँ का पति ने मार ना क्यों मैं पांच बिल की फेरा जा माँ का श्राप थने थारी पत्नी भी थारा योग में इधर उधर तलपती थी ये श्राप दे दा अरे उन मिर्गो पिड़ियो पिड़ियो के जो राजन मैं कहूं जो सुन अरे खाल दी घेरे गोरख नातने रे राजा रे धूना पे दे मेरे बिछा धूना पे दे मेरे बिछा खाल दी घेरे राजा नातने ओ ये धूना पे ले मेरे बिछा पावती घेरे कायर चोर ने रे राजा रे चोरी कया भगजा चोरी कया भगजा रे हो संतने रे राजा रे कर कर अलग जगा कर कर अलग जगा चली दी तेरे राजा संतने ओ राजा कर कर अलग जगा कर कर अलग जगा सुंदर नार ने ओ राजा नेना में सुरी मोलगा मेरे गो के माला को राजन या मारी खाल गुरु गोरखनाथ जी ने दे दीजिए वका धूना पे बिछा दी और मारा पांव कोई कायर चोर ने दीजिए चोरी कर भग जाए और या मारी शेली मारा शिंग कोई संत ने दीजे घर घर अलख जगाए और मारा नेण कोई सुंदर नार ने दीजे नेणा में सुरमो लगाए और यो मारी माटी को बक्षण राजा थू कर लीजिए या बात के और मिर्गो प्राण त्याग दे राजा मिर्गा ने उठावे सुबर गोली पे सामने रखे अब उज्जैन नगरिया तो रास्ता में गुरु गोरखनाथ जी को ढूंढो पड़े गुरु गोरखनाथ जी शंकर भगवान का होता देख लो बोलिया राजन तू तो प्रजा का भला करने वाला रही बोला जनावर की हत्या कैसे की अब राजा का कुमति परिवेश है राजा के वाला का भगड़ा मैं तो हिरण ने मारना क्यों और तू सही संत वे इन्हें जिंदो कर भगा दे नहीं तो पांचों बार मारा खांदा पे बाकी ओहो ऐसा कठुक वचन बोल दीदा गुरु गोरखनाथ जी मैंने कही नहीं क्यों गाम धूम धरती सही आज पेतल आग मिल दी थी धरती माता ने कही केरी ने गाम धूम धरती सेवे बाग सेवे बनराय कटु को वचन तो संत सहे और उसयो नहीं जाय गरुदे धूनी मु छमकी पर बबूती उठाई और वह हिरण पे फेंकी हिरण जिंदो वे जंगल में भाग जावे राजा का दिल का दुई कुआजा खुल जावे ये जो ये जोक बनामी जी का आपा तो वही फिर रिया राजा विचार की तो ऐसा गुरुदेव है तो आप लोग बहु सागर पार है जा अब राजा मेल में आवे रीता पाते हिरण तो भाग गया अब रात की आधी नींद रात आगी पर नींद ना आवे
तो देखो कई बात बने। राजा शुद्ध मेल के माय अरे तरसी ना जागी ओ तरसी ना जागी वन मिले जारे गोर के नाक परम ना शिष्य बनना। अरे राजन शिष्य हूं गेला में पड़िया गई कांदादा आभार आदेश करो मंजूर है मेरे को राजा मैं क्यों जो सुन। अरे गरु रे जान कई गेले पड़िया सुन मारा हटला हटी पड़िया गरु रे जान कई गेले पड़िया सुन मारा हटला हटी पड़िया छावे लाडू पेड़ा गुरु ज्ञान रस्ता में कोने गुरुदेव आप हर आदेश आपको मने मंजूर है। राजन उज्जैन नगरी का रात जागना पड़ेगा मंजूर। पिंगला को माता के भिक्षा लाना पड़ेगा मंजूर है। तो संत ये राजा वस्त्र उतारो भगवा वेश धारण करो मंजूर है। जाओ मेल में माने भिक्षा के लाओ तो गुरुदेव के केरिया भरतरी ने राजा जावो राजा जावो मेल के माई अरे लगावो फेरी अरे लगावो फेरी पिंगला ने तो कही जो बात करो बात ले पिंगला ने तो कही जो बात करो बात ले को बहुत बड़ो मुश्किल काम है। तो क्यों है नारिया को नारी पड़ो उठ गयो मर्दा की मर्द आई आपस में मुंडे नहीं बोले मां का आया भाई पीपल का ढाल गड़ो ने कन्या बेच कर खाई पड़ोसी की पाली खोदी बिरा धड़ा मूल से आई